नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अर्थतंत्र के सुधार करेत नीति तथा कार्यक्रम आनल गेल सरकारक कथन। देशक आवश्यकता के संबोधन करेत अगला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम आनल गेल अर्थमंत्री डॉक्टर महत के कथन। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप होबय नहि देब, सरकार के सांसद सब द्वारा सचेत कराओल गेल। विवाहित महिला सब शुक्र दिन वट सावित्री पावनि मनाब रहल, पति के दीर्घायु के कामना करैत व्रत बैसबाक परंपरा। आ मनोमानी स्वास्थ्य उपकरण खरीद करय वाला अस्पताल के सरकार स्पष्टीकरण पूछत। आब समाचार विस्तार में। सरकार अगला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कयने छै। शुक्र दिन संघीय संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल सरकार के अगला आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कयने छै। संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संस्थागत करैत समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र आ सुशासन प्रणाली संस्थागत करब सरकार के पहल प्राथमिकता भेल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में कहल गेल छै। संविधान आ संघीयता के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतंत्र के प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता, पूंजीगत खर्च में वृद्धि लगायत के विषय समेत सरकार के प्राथमिकता में रहल छै। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण आ सेवा प्रवाह में सुधार, उत्पादन आ रोजगारी में वृद्धि, हरित अर्थतंत्र के विकास लगायत के विषय समेट कर सरकार नीति तथा कार्यक्रम आने छै। आर्थिक वर्ष 2080-81 के लेल प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध, सबल आ न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण करबाक अपन संकल्प के पूरा करबाक महत्वपूर्ण योगदान पहुँचेबाक विश्वास रहल राष्ट्रपति पौड़ेल बतौलनि अछि। नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन सँ संविधान आ संघीयता के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेबाक, उत्पादन उत्पादकत्व आ रोजगारी में वृद्धि भक स्वाधीन सबल आ समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माण कर योगदान पहुँचबाक हुनक कथन छै। औद्योगिक क्षेत्र में वैदेशिक लगानी निर्यातों का लागी विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोग को सक्रियता बढ़ाइने से वैदेशिक लगानी लाई उत्पादन एवं रोजगार मूलक क्षेत्र में परिचालन करना प्रोत्साहित गरिने छ। लामो समयदेखि बंद तथा रुक्न अवस्था में रहेका उद्योगहरू संचालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापन को विषय में अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने छ। पुनः संचालन को संभावना रहेका हेटौडा कपड़ा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई संचालन में ल्याइने छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत राष्ट्रपति पौडेल सरकार कपिलवस्तु के तिलोरा कोट आ जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के विश्व सम्पदा सूची में सूचीकृत करेबाक घोषणा कयलक अछि। अगला आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम में एहन घोषणा कयल गेल छै। ओ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थान के अन्वेषण आ उत्खनन के निरंतरता देबाक समेत बतौलनि। पौडेल अगला आर्थिक वर्ष में कर प्रणाली में पुनरावलोकन करबाक सेहो बतौलनि। ओ राजस्व प्रशासन के आओर सुदृढ़ आ चुस्त बनाओल जेबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुंडी अवैध कारोबार में लगानी तथा राष्ट्रीय पूंजी पलायन में कड़ाई करबाक बतौलनि। सरकार ऑनलाइन सेवा प्रणाली ओड़ा तह सँ उपलब्ध करेबाक घोषणा समेत कयलक अछि। विद्युतीय प्रणाली बीच तथ्यांक आदान प्रदान कर डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म निर्माण कयल जेबाक सेहो बताओल गेल छै। तहिना सरकार प्रेस तथा प्रेस स्वतंत्रता के प्रवर्धन, मर्यादित पत्रकारिता के विकास के लेल नीतिगत कानूनी आ संरचनागत सुधार करबाक, संचार उद्योग के ज्ञान में आधारित सेवा उद्योग के रूप में विकास करबाक घोषणा समेत कयलक अछि। तहिना सरकार सार्वजनिक सेवा प्रसारक के स्थापना कऽ कऽ इहे आर्थिक वर्ष भीतर रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलीविजन के एक आपस में जोड़ कर एकीकृत प्रसारण सेवा के प्रारंभ करबाक जनौलक अछि। प्रेस काउंसिल के सब संचार माध्यम सँ प्रकाशन आ प्रसारण होबय वाला विषय वस्तु के नियमन करैत उद्देश्य लऽ कऽ नया कानूनी व्यवस्था सहित मीडिया काउंसिल में रूपांतरण करय लागल छै।
तथा सूचना प्रविधि को प्रयोग में आम नागरिक को पहुँच अभिवृद्धि गरिने छ। शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायत का क्षेत्र में सूचना प्रविधि को प्रयोग विस्तार गरिने छ। ज्ञान में आधारित का अर्थतंत्र को विकास र सुशासन का लागि सूचना प्रविधि प्रणाली को अनुसंधान विकास र विस्तार गरिने छ। सरकार शहरी तथा राजमार्ग अगवल यात्री पर्यटक सेवाग्राही के अत्यधिक चाप हो वाला सार्वजनिक स्थल में निजी तथा सामुदायिक साझेदारी में 1000 सुविधा संपन्न सार्वजनिक शौचालय आ विश्राम स्थल निर्माण करवा घोषणा समिति कलक तहिना विदेश में रहल नेपाली के आवधिक निर्वाचन में मतदान कर पैबाक व्यवस्था करवाक सरकार घोषणा कने छै। आतंकवाद तथा संगठित अपराध मीटर बेजी हिंसा साइबर अपराध लागू औषध के अवैध ओसार पोसार कारोबार लगात सब प्रकार के अपराध जन्य गतिविधि नियंत्रण में आधुनिक प्रविधि के उपयोग क सुरक्षा निकाय के सक्षम बनेबाक से घोषणा कैल गेल छै। तहिना के सरकार वर्षा के समय में मासिक 50 यूनिट आ गर्मी में 30 यूनिट धरि बिजली खपत करा वाला उपभोक्ता के बिजली निःशुल्क उपलब्ध करा वाला गेल छै। राष्ट्रपति के अनुसार सरकार 2 वर्ष भीतर सबके घर में विद्युत पहुँचाव लागल छै। विपन्न वर्ग के निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करेबाक सरकार के घोषणा रहल छै। सरकार खाना पका वाला गैस के क्रमशः विद्युत से प्रतिस्थापन करबाक घोषणा समेत कैलक अछि। यहाँ पर्यटकीय गंतव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने छ। एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइने छ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्रान्डिङ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ हिमालयारोहणका लागि खुला गरिनेछ। हिमालयारोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ। साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको लागि नेपालका प्रमुख आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवर्धन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको भूगोल कला साहित्य भाषा संस्कृति पर्यटनको प्रवर्धन गर्न उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने। तहिना सरकारी सार्वजनिक आ सामुदायिक जगह के श्रेष्ठता बमोजिम विद्युतीय लागत तैयार करल। तहिना मालपोत नापी संबंधित आधारभूत सेवा स्थानीय तह से एकीकृत रूप में प्रदान कैल जेबा से जानकारी दिलक। भौगोलिक सूचना प्रणाली में आधारित जैविक जगह मूल्यांकन पद्धति के विकास क जगह के खरीद बिक्री में हो वाला मूल्य के पारदर्शी आ यथार्थ परक बनाल जेबा से बताओल गेल छै। राष्ट्रपति पौड़ेल के अनुसार बाँझ जमीन उपयोग के लेल नीतिगत व्यवस्था कैल जाय। तहिना कऽ राष्ट्रीय भूमि आयोग के काज के तीव्रता देवाक मुक्त हलैया कमैया कमलड़ी हड़वा चरवा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसवास के समस्या समाधान कऽ कऽ इस समुदाय के विकास के लेल एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू कैल जेबाक सेहो नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल छै। राष्ट्रपति पौड़ेल गरीब घर परिवार पहचान तथा गरीब परिचय पत्र वितरण काज के संपन्न करवाक गरीब घर परिवार परिचय पत्र के राष्ट्रीय परिचय पत्र सरह आबद्ध करैत सामाजिक सुरक्षा के कार्ड में रूपांतरण करवाक आ सीमांतकृत आ विपन्न परिवार के लक्षित कक वड़ातह में सहूलियत खाद्यान्न दुकान के व्यवस्था करवाक सेहो बताओल गेल छै। अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत देश के आवश्यकता के संबोधन करैत सरकार अगला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम आने दावी कैलन अछि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेला लगले ओ संघीय संसद भवन परिसर में संचार कर्मी संग बात करैत ई प्रतिक्रिया देलन अछि। कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहल ओ ई नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लऽ जेबाक लेल दिन राति नहि भऽ कऽ सरकार काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयने छलथि। कार्यान्वयन के लेल आवश्यक क्षमता बढ़ेबाक आ ईमानदारिता के साथ ओहि के कार्यान्वयन में लॉ जाय सरकार प्रतिबद्ध रहल हुनक कथन अछि।
को जे आवश्यकता छ त्यसको लागि ती कुराहरु चाहिँ आका छन्। सबभन्दा मैले फेरि पनि भने कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो, रात दिन काम गर्नु पर्यो, डे वान देखि काम गर्न थाल्नु पर्यो। त्यो काममा हामी लाग्छौँ, त्यो भयो भने परिणाम आउन थाल्दछ। गर्ने कुरा यिनै हुन्, नयाँ नयाँ आविष्कार त्यो भएन, तर बुझिएका कुरा भनिएका कुरा त्यही त पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी गम्भीर काम गर्छौँ, डे वानदेखि काम। मन्त्री महत सरकारके नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आविष्कारके विषय नै भेल आ अहिके ओहि रूपमे बुझ नै हेबाक सेहो बताउने छलथि। सत्तारूढ़ नेपाली काँग्रेसके सांसद एवं पूर्व मंत्री जितेन्द्र नारायण देव नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमे राजनीतिक हस्तक्षेप होबय नै देबय सरकारके सचेत करो लेने छै। एहि प्रकरणके अनुसन्धानमे नेपाल प्रहरी ऊपर कोनो भी किसिमके हस्तक्षेप स्वीकार्य नै हेबाक हुनक कथन अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठकमे विशेष समय लऽ कऽ बाजैत सांसद देव एहि प्रकरण आ राज्य विरुद्धके अपराध भेलासँ एहिमे संलग्न ककरो भी कार्रवाई करय सेहो सरकारके ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद देव देशमे भ्रष्टाचार नेक्सस खड़ा भेल कहैत एहिके सरकार द्वारा निरंतर निगरानीमे राखल जेबाक बतौलनि। माननीय जितेन्द्र नारायण देव, समय 8 मिनट, त्यसपछि माननीय जयन्ती देवी राई छ, विचार राख्नु भएको छ। त्यो वक्तव्यको म हार्दिक स्वागत गर्दछु, समर्थन गर्दछु र वर्तमान सरकारलाई त्यो बाटोमा खुट्टा नकमाइकन अत्यन्त निडर र निष्पक्ष भएर काम गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार डिप रुटेड छ, सामान्य अध्यक्ष महोदय, संस्थागत छ र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले मुलुकको पहिलो समस्या कुन हो, मूल समस्या के हो भनेर कसैले भन्छ भने म सरकारले भन्न चाहन्छु कि अहिलेको कन्ट्रीको मूल इस्यु भनेको करप्सन हो। करप्सनको सन्दर्भमा सरकारले राम्रो काम गर्न सक्यो, मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले राम्रो काम गर्न सक्यो भने अग्रगमनको बाटो सुरक्षित भयो। दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारहरू, यिनीहरूको एउटा नेक्सस छ यो मुलुकमा। सांसद देव, नेपाली जनता भ्रष्टाचारके अन्त्य, सुशासन आ सेवा प्रवाह चाहि रहल कहैत एहि काजमे सरकार आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेके सांसद रामचंद्र राय तत्कालीन माओवादी लड़ाकू शिविरमे भेल भ्रष्टाचारके विषयमे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संसदमे देने जवाब प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभाके बैठकमे विषय समय लऽ कऽ बाजैत ओ लड़ाकू शिविरमे भेल भ्रष्टाचारके विषयमे बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभामे पूछल गेल प्रश्नके जवाबमे प्रधानमंत्री दाहाल देने जवाब प्रति असंतुष्टि ओ व्यक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल महालेखा परीक्षकके कार्यालय ठीक रहल कहिके विषयमे अतः प्रश्न उठेनाइ उपयुक्त नहि हेबा कहिके जवाब देने कहैत एहिसँ देशक सुशासनमे सहयोग नहि पहुँचेबाक हुनक कथन अछि। सांसद राय नेपाली जनतामे आशाके सञ्चार करबैत अपन अभिव्यक्ति देब आ ओही अनुसारके काज करब सेहो प्रधानमन्त्री दाहालके सचेत करौलनि। टिभीमा हेर्दै थिएँ, त्यहाँ एकजना मान्यज्यूले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। त्यति मात्रै उठाउनु भएन, उहाँले त्यो सामान्य अहिलेको समाज अर्को थर भनिरहेको सुन्दा म आफै गएर अनुगमन गरेर आएको ठाउँ यो विद्युत रेल को चाहिँ अहिले नै चाहिँ 35 किलोमिटर रेल चलिरहेको छ। त्यहाँबाट त्यो 35 किलोमिटर हुँदा कुर्ता, जनकपुर, जयनगर हो भने त यो पुल र सुरुङ कम्प्लिट गर्छौँ, बाँकी खालि यो खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद टुङ्गियो भने फास्ट्याग पनि बन्न सक्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि यी दुईवटा ठुला आयोजनाहरू मात्रै सम्पन्न गरेर नेपाली जनताका बिचमा पस्कने हो भने नेपाली जनताका बिचमा एउटा आशा पलाउँछ, विश्वास जागृत हुन्छ। चौरा जिल्लाको भनिसकेपछि अहिले 45,000 हेक्टरमा मात्रै पुग्ने सिँचाइ प्रणाली छ, बाँकी 1,22,000 हेक्टर जमिनमा पुग्ने सिँचाइ प्रणाली। सांसद राय नेपाली जनता सुशासन आ समृद्धि चालासँ
सरकार द्वारा वही अनुसार काज कल जेबा बताने छे। मध्य प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल कार्यपालिका आ व्यवस्थापिका सहित के निकाय सब द्वारा एक दूसर के निगरानी कल जेबा बतौलन। मध्य प्रदेश सभा के आयोजना तथा UNDP के संसद सहयोग परियोजना के सहकार्य में भेल प्रभावकारी संसदीय अभ्यास तथा कानून निर्माण में प्रदेश सभा सदस्य के भूमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सभामुख मंडल एना बतौलन। ओ सरकार एकदमे शक्तिशाली भेला पर भ्रष्टाचार बढ़त तैं कोनो भी निकाय के काज के चेक एंड बैलेंस भेनाय आवश्यक रहल बतौलन। जो चाहे अति शक्तिशाली भव सरकार यदि अति शक्तिशाली भव भने त्यसले चाहिँ तपाईको करप्शन गर्छ, त्यसले चाहिँ समाजलाई सेवा गर्दैन, त्यसले चाहिँ तपाईको जनतालाई सेवा गर्दैन, त्यसले चाहिँ तपाईको करप्शन तिर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईको चेक एंड बैलेंस को कुरो जुन आको छ कतिखेर हामीले निगरानी गर्ने जस्तै संसदीय निगरानी का विषय वस्तु यहाँनिर आएको छ, हामीले संसद मार्फत हामीले व्यवस्थापिका मार्फत पनि सरकारलाई कसरी निगरानी गर्ने। सभा में प्रदेश सांसद सब संघ सरकार के उदासीनता के कारण प्रदेश में बनल कानून सब के कार्यान्वयन के अवस्था कमजोर रहल आरोप लगल। प्रदेश सभा सदस्य सब प्रदेश निर्माण भेल कानून सब के कार्यान्वयन के अवस्था कमजोर रहल बतौलक। ओ सब प्रदेश सभा संघीय कानून के आधार बनाकर विधेयक सब आनलो पर संघ सरकार गंभीर नहीं भला सा कानून सब ओनाहिते राखल गेल अवस्था में रहल बतौलन। कतेको विधेयक अपूरा रहला से समेत कानून के अवस्था कमजोर रहल ओ सब बतौलक। ओ सब तीनू तह के सरकार अविश्वास के वातावरण में रह धरि कतेको कानून बनौलो पर लागू होब कठिन हेबाक बतौल। संसार का मानस हमी बट सीखते तर हम शिक्षा वस्त्र कति पछाड़ गए हमीर तब सीख पड़ रहा हमी पैला संसार में सब शिक्षित थी छा दर्शन मध्य एवटा दर्शन यहाँ राजा जनक संप्रेषित भएको छ। हमी शिक्षा वस्त्र में धेरै अगाडि थियौ पहिला तर अहिले हमी सीख पड़ रहा है। हामी मधेसको मन्त्रालय विस्तार गर्छौ, क्षमतावान महिलाहरू छन्, कति मन्त्री पाउँछ त्यो हेर्दै जाने। यहाँनिर हो निर्णायक तहमा अर्थ हुन जबसम्म सहभागिता हुँदैन हामी नयाँ नेपाल नयाँ प्रदेशको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जहाँको जनसङ्ख्या 51% महिला छ त्यहाँ महिला पछाडि मूलधारबाट पछाडि हुन्छ भने त्यो देशको विकासको त कल्पनै गर्न सकिँदैन। हिजो एकजना मान्यज्यूले भ्रष्टाचार कुरा उठाउनु भएको थियो कि ब्राह्मण पनि गरिब छ भने पीडित छन्, दलित पनि कसरी जातको आधारमा दलितसँग विभेद भएको छ, जातको आधारमा फरक किसिमको दलितसँग व्यवहार भएको छ, जातकै दलित भएकै कारण चाहिँ दलितलाई दलित समुदायमाथि अन्याय अत्याचारहरू। र एउटा कुरा म मान्यजीले अहिले भन्नुभयो कि हामी महिलामाथि कतै दुर्व्यवहार छ वा कतै हामीले महिलाको अधिकारको लागि लड्छौँ, हामी सबै महिला एकजुट हौ। यो प्रश्न गर्दाखेरि हजुरले यो चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएन कि यदि महिलाले कुनै ठाउँमा गल्ती गरेको छ भने त्यो महिलालाई पनि हामी महिलाले सजाय दियो भनेर त्यो प्रश्न हजुरले उठाउनु भएन। दू दिन चलल अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मीन विश्वकर्मा, पूर्व संविधान सभा सदस्य बिंदा पांडे, पूर्व कानून सचिव माधव पौड़ेल लगायत प्रदेश के कानून निर्माण के अवस्था कार्यान्वयन प्रदेश सभा सदस्य सबके भूमिका लगायत विषय में प्रस्तुति देने छल। मिथिलांचल में शुक्र दिन वट सावित्री अर्थात बरसात पावन मनाओल गेल छे। पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत मिथिलांचल के मैथिल महिला सब ई पावन धूमधाम के साथ मनाबि रहल छै। मैथिल महिला सब मनावला पावन में सब वट सावित्री महान पावन के रूप में जेठ महीना के अमावस्या के दिन मनाओल जाय छै। वट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बरक गाछी में सामूहिक रूप से विधिपूर्वक पूजा करै छै। पान सुपारी केरा फल फूल धूप अगरबत्ती लगायत के विभिन्न पूजन सामग्री के साथ पूजा पाठ का व्रतालु महिला सब श्रीमान के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत वर तथा पीपर के गाछ के लाल आ पियर धागा सब बांध के पूजा करै छै। की कहै छै पति के लेल एमे सुहाग बढ़ै छै, सुहाग बढ़ला से एमे खुशी के दिन होइ छै, एमे बहुत चीज मानता छै, तै दुआरे मिथिला के इएह छै से की कहै छै से बड़ पावनि बहुत महान पावनि।
पाबनि छै। मैया पार्वती के पूजा करै छै सुहाग के लागी, पति के लागी। एहि दुआरे कि बहुत ओरियान होइ छै पूजा मे, महिला सब सब हरान रहै छै एकदम पति के लागी, बर के लागी, पूरा हरान ओरा मे रहै छै परल। आइ कते दिन सँ छै सब ओरियान पोरियान मे लागल कि भोला बाबा के पाबनि करब, वट सवित्री के पूजा करब, सुहाग हमर लम्बा उमेर खातिर लोग पूरा करै छै अपना मिथिला मे। पौराणिक कथन अनुसार राजा सत्यवान के मृत्यु भेल समय हुनक पत्नी सावित्री बरक गाछी नीचा बैस कऽ कठोर व्रत कऽ पति के प्राण घुरौने बताओल गेल अछि। इहे मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल वट सावित्री पावनि मनाबैत आबि रहल धार्मिक ग्रंथ में लिखल छै। जे अपन पति के दीर्घायु लंबा आयु के लेल ई व्रत के करै छथिन। एहि व्रत मे बट वृक्ष के पति स्वरूप मान के उनका से अपन पति के लंबा आयु के लिए प्रार्थना करे के प्रावधान है। एहि व्रत मे स्त्रीगण 16 श्रृंगार करके अपना आप के खूब सुंदर से सजा के, जेना विवाह काल मे एगो नववधु रहै छथिन ओही प्रकार से अपना आप के सजा के बट वृक्ष सजा के हल्दी, कुमकुम, जल, नैवेद्य, धूप, दीप, इस सब माध्यम से बरगद के पेड़ के पूजा करै छथिन। पहिने पहिने ब्राह्मण कायस्थ महिला सब करैत आयल बरसाइत पावन अखन आबि कऽ दोसर जात जाति के महिला सब सेहो मनाबऽ लागल छै। तहिना मिथिलांचल के सिरहा लगाए जिला में सेहो विवाहिता महिला सब वट सावित्री पावनि मनौलक अछि। नया पहिरन आ श्रृंगार कऽ कऽ व्रतालु महिला सब वर के वृक्ष मे लाल पियर डोरा बान्हैत पति के दीर्घायु के कामना सहित ई पावनि मनौलक अछि। कतेको व्रतालु महिला सब अपन घर अंगने मे वर के वृक्ष के डारि आनि कऽ सेहो पूजा पाठ कयने छै। धार्मिक किंवदंती अनुसार वर के गाछ मे ब्रह्मा, विष्णु आ महादेव के वास हेबाक भेला सँ बर के गाछ के पूजा करबाक परम्परा सेहो रहल छै। विवाहिता महिला सब शुक्र दिन वट सावित्री पावनि मनौलक अछि। ई पावनि मनाबि रहल महिला सब सँ पूछने छलहुँ वट सावित्री पावनि के महत्व की छै। अहाँके बात जहिना कहते हैं सावित्री जे छलखिन ने हुनकर बर मरि गेल छलखिन, नाग जे छलै हुनका डसि लेलकै, तऽ वएह बट सावित्री से बर दै कोइ कहलखिन यमराज के लग गेलै ने, हुनका कहलकै से हमरा से अपन पति हमरा दिए, तऽ वएह कहलकै से बट सावित्री के व्रत करू आ हुनका लग जाके जे अहाँ कहबै ने तब तऽ ओ देतै, तब ओहिमे कहल जाइ छै हमर मरल बर लिअ अहाँ अपन बर दिअ, इएह हिनकर महत्व छै आ बट सावित्री व्रत लोक इएह लागि करै छै। सुहागन स्त्री का पर्व है, इसमें अपने पति के लंबे आयु के लिए लोग करते हैं इसको, दीर्घायु के लिए किए, सती की थी अपने सत्यवान के लिए, तो सत्यवान जो मर गए थे उनको यमराज से लेके आए, तो वहीं आज भी धारणा है अपने पति के लंबी आयु के लिए सब स्त्रियाँ करती हैं कि हमारी भी पति के लंबी आयु में स्वस्थ निरोग रहे, इसी के लिए पर सावित्री पूजा हर साल किया करती है सुहागन स्त्रियाँ। बस सावित्री के व्रत में बर पीपर के गाछी में पूजा कैल जाए छे, ओहिमे फल फूल न्यूज केरा के पत्ता पर रखल जाए छे, धागा बांधल जाए छे, पति के लंबी आयु के लिए ई पूजा कैल जाए छे। जेठ मास मे अहाँ के वट सावित्री आज के दिन में पड़ल है, सुहाग अमर के लागी अहाँ के अमर सुहाग के लागी वट सावित्री व्रत कर रहा छी, हम सब सब आदमी करिए भरि दिन पास कऽ कऽ अहाँ के फलहार में खीर जकरा जे इच्छा होइए फल ओ फलहार करैए, इएह है जे सावित्री बट सावित्री माता के अमर सुहाग के लागी हमसब जे बट सावित्री व्रत करै छी। बट सावित्री पूजा एला करै छी कि अपन पति के लंबा आयु हुए, मतलब पति के जेना ई आब चैत बैसाख के ज्येष्ठ के मास मे जेना पंख लऽ कऽ मौसमी फल लऽ कऽ मौसम अनुसार के फल लऽ कऽ पूजा पाठ अथी बट वृक्ष के पास मे पूजा कयल जाइ छै पति के लंबा आयु के लिए। व्रत होइ छै बट सावित्री पति के दीर्घायु के लेल होइ छै, ई सब महिला सब सुहागिन अबै छै एहिठाम जल ढारऽ बर मे पंखा हुकै छै बर के दीर्घायु के लेल दुल्हा के ई कयल जाइ छै व्रत।
आप व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा होला भने त केही समझ यार यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो काका। एग्जाम को प्रिपरेशन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायनेट को वाय सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढला जस्तो छ है। सरकार मनोमानी स्वास्थ्य उपकरण खरीद करे वाला अस्पताल सब के स्पष्टीकरण पूछ लागल छे। शुक्र दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत एना बतौलने ओ स्थान आ जनशक्ति नहीं भक सेहो उपकरण खरीद कने अस्पताल सबके स्पष्टीकरण पूछबाक स्पष्ट कलने। ओ दू बरस धरि से प्रयोग में नहीं भेल आ होब नहीं सकल सामान सब स्वास्थ्य सेवा विभाग फिरता लक आवश्यकता अनुसार दोसर अस्पताल सब में मंत्रालय के सहमति में हस्तांतरण करवाक सेहो बतौलन। ओ कतेको अस्पताल सब मनोमानी रूप में स्वास्थ्य उपकरण खरीद कने पाओल गेल कहत आब खरीद करत काल न्यूनतम सेवा मापदंड अनुसार उपकरण सब मंत्रालय के समन्वय में खरीद करवाक व्यवस्था लागू करवाक सेहो बतौलन। ओ प्रत्येक अस्पताल के आवत काल दू वर्ष के कार्य योजना बना कर पेश कर लगेबाक सेहो बतौलन। दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसक्ने सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने। तपाईँले बुझ्नु होला कतिपय अस्पतालहरूमा यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी गरेको देखियो। त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्, आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन सर। मन्त्री बस्नेत आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनेबाक अनलाइन सँ टिकट लक ओपीडी सेवा 15 दिन भीतर दस देबाक व्यवस्था कर लागल सेहो जानकारी देलन अछि। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब राजधानी में जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में शुक्र दिन खुमलटार यूथ क्लब संग दू दू के बराबरी खेलने छे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में आर्मी दू बेर धरि लेने अग्रता के कायम राख नहीं सकला से खुमलटार संग अंक बाढ़ने अछि। एहि संगे आर्मी के चारिम स्थान में आगा बढ़ मौका गुमल छे। प्रतिस्पर्धक खेल में आर्मी के लेल जगजीत श्रेष्ठ आ नवयुग श्रेष्ठ गोल करत काल खुमलटार के दू विदेशी फॉरवर्ड मेसू के उलमोड आ स्टेफेन समीर एक एक गोल कने छल। एकर बाद दोसर हाफ के खेल में 51 मिनट में नवयुग गोल करत आर्मी के फिर से अग्रता दियौने छल। 2-1 से पाछा पड़ल खेल में घुरबाक लेल बहुत प्रयास कलो पर खुमलटार के लेल 75 मिनट में स्टेफेन समीर गोल करत खुमलटार के दू दू गोल के बराबरी में आने छल। बाकी समय में दुनू टोली और गोल करबाक प्रयास कलो पर सफल होब नहीं सकल छल। बराबरी खेल संगे आर्मी 19 खेल में 26 अंक जोड़ने अछि। खुमलटार 19 खेल में 18 अंक जोड़ने अछि। लीग अंतर्गत शुक्र दिन भेल दोसर खेल में हिमालयन शेरपा विभागीय टोली एपीएफ क्लब पर 3-2 के रोमांचक जीत निकालने छे। जीत संगे हिमालयन 19 खेल में 24 अंक जोड़ने छे। एपीएफ 19 खेल में 22 अंक जोड़ने छे। लीग में शनि दिन एकमात्र खेल 3-स्टार क्लब आ 7-2 बाटो यूथ क्लब बीच दशरथ रंगशाला में साँझ 6 बजे हैत। अवंत में मुख्य समाचार एक फिर से। आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अर्थतंत्र के सुधार करत नीति तथा कार्यक्रम अन्य सरकारक कथन। देशक आवश्यकता के संबोधन करत अगला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम आनल गेल अर्थमंत्री डॉक्टर महत के कथन। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप होब नहीं देव सरकार के सांसद सब द्वारा सचेत कराओल गया। विवाहित महिला सब शुक्र दिन वट सावित्री पावन मनौलक पति के दीर्घायु के कामना करत व्रत बैसबाक परंपरा। आ मनोमानी स्वास्थ्य उपकरण खरीद करे वाला अस्पताल के सरकार स्पष्टीकरण लेत।
व्यस्त अपन टेलिभिजन देखत रहो। नमस्कार।